हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है यार कि अभी आरजीपीवी का इवन सेमेस्टर चल रहा है, और यार इवन सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन रहते हैं वो मई अप्रैल जून के मंथ में कंडक्ट किए जाते हैं, जो कि दोस्तों 8th और 6th सेमेस्टर वालों के एग्जामिनेशन जो हैं वो मोस्टली चांसेस रहते हैं कि मई मंथ में कंडक्ट किए जाएँ, और मई मंथ के एंड तक विथ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कंप्लीट कराने का आरजीपीवी मिशन करता है, जो कि दोस्तों प्रीवियस में ऐसा ही होता रहा है कि यार आरजीपीवी का इवन सेमेस्टर का 8th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन है वो मैक्सिमम जो टाइम रहा है वो लास्ट वीक ऑफ मई ही रहा है। जून तक मुश्किल है कि कोई सेशन जाए, जो कि दोस्तों एक्सटर्नल एग्जामिनेशन अब बाद में होते हैं, तो यार कोई दिक्कत नहीं है, इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन यार इसी के साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट ये डाउट कर रहे हैं कि इस बार तो लोकसभा चुनाव है जो कि यार अप्रैल मई मंथ में कंडक्ट होना है, तो फिर क्या एग्ज़ाम डिले होगा? क्योंकि यार मैक्सिमम कॉलेज गवर्नमेंट जो कॉलेज रहती हैं उसमें ये चुनाव वगैरह प्रोसेस होता है, जिसमें यार आरजीपीवी से भी काफ़ी सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस इंक्लूड हैं, तो दोस्तों उनमें भी चुनाव का प्रोसेस होगा, तो उसके चलते फिर एग्जामिनेशन स्टूडेंट नहीं दे पाएंगे। इसीलिए दोस्तों हो सकता है आपका जो एग्ज़ाम है इस बार का डिले हो और जुलाई या फिर जून के मंथ में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो। हालाँकि दोस्तों इलेक्शन डेट के कम से कम 20 से 25 दिन तक कोई काम नहीं होता है, आचार संहिता वगैरह तो लगी ही रहती है। साथ के साथ दोस्तों ये जो आपका एग्जामिनेशन है वो भी 20 से 25 दिन डिले होगा, और हो सकता है आरजीपीवी पे डिपेंड करता है कि कितने दिन आपके एग्जामिनेशन डिले कर रहा है। दोस्तों चांसेस तो यही हैं, मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि आपका एग्जामिनेशन डिले होगा इस बार का। बाकी दोस्तों कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है आरजीपीवी की साइड से या फिर सोशल मीडिया की साइड से तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। तो यार आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू ऑल।